श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपनिषद का अध्ययन करने वाला अधिकारी वो है जिसने अब अपने आप को दुनिया से समझदारी के द्वारा विड्रॉ कर लिया है। देखो, एक मंत्र आता है मुंडकोपनिषद में, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् तमित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। वहां कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान, आज तक हमने जो जीवन जिया है क्या क्या किया हमने और हमको क्या क्या मिला। कर्मचितान लोकान परीक्ष, उसका एक बार से फिर परीक्षा करनी है, हम इतने साल तक जिए क्या किया। तो यदि उसका चिंतन करेंगे, हम लोग चिंतन नहीं करते, हम फ्रस्ट्रेशन में रहते, देखो हमने इतना किया बच्चों के लिए, बच्चे मानते नहीं हमारी बात। ये जो कंप्लेन करने वाले हैं ना उनके लिए उपनिषद नहीं, जो चिंतन करने वाले हैं उनके लिए। तो क्या होगा चिंतन करने से, निर्वेदमायाद हृदय में वैराग्य प्रकट होगा। यही है धर्म के जीवन का लक्षण कि हमने धार्मिक जीवन जिया है। कैसे पता चले, देखो वहां रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बिल्कुल सरल वही बात भिन्न प्रकार से। कहते हैं धर्मते विरति, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो उसका लक्षण हमारे हृदय में वैराग्य का निर्माण होना स्वाभाविक है। और यदि वैराग्य का निर्माण नहीं हुआ तो हमने धर्म का जीवन जिया ही नहीं। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, और यदि हमने योग किया है जीवन में, हमारे लिए योग माने क्या, शरीर को तोड़ना मोड़ना वही योग है, वो की बात नहीं है। जिसने योग का अभ्यास किया है तो योगते ज्ञाना, फिर उसका मन पूर्ण नियंत्रण में आ गया, ऐसा ही व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करके समझ में रह सकता है। तो निर्वेदमायाद हृदय में जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य प्रकट हो जाता है। और फिर प्रश्न उठता है कि ये दुनिया क्या है, हम कौन है, कौन है दुखी होने वाला, कौन है सुखी होने वाला। इधर में हमारा मन लग गया, चिंतन शुरू हो गया, और चिंतन होने के पश्चात अब हम जानना चाहते हैं। देखो सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चार प्रकार के अच्छे लोग, सत्कर्म करने वाले, सुकृति नहा सत्कर्म करने वाले मेरा भजन करते हैं। किस लिए, एक आर्त अपने जीवन के कष्ट दुख मिटाने के लिए, दूसरे अर्थार्थी जिनको दुनिया से कुछ चाहिए, तीसरे जिज्ञासु। और जिज्ञासा एक बार हृदय में प्रकट हो गई तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। तो जिज्ञासा प्रकट होने के पश्चात फिर प्रश्न आता है, चार चीजों का निर्णय होना आवश्यक है जीवन में। हम चार कल्पनाओं में जी रहे हैं, भ्रांति में जी रहे हैं। पहली भ्रांति है अपने बारे में, हम कौन है। दूसरी भ्रांति है जगत के बारे में, जगत क्या है। तीसरी भ्रांति है ईश्वर कौन है, जिसको हम रात भर ठोक ठोक करके परेशान करते हैं। देखो ना, अभी हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ रात भर
ना स्वयं सोए ना भारतवर्ष को सोने दिया, भगवान भी को सोने नहीं दिया, तो उनको कुछ मिलेगा क्या वहां? कुछ नहीं मिलेगा उनको वहां, सबको परेशान करते हैं। ईश्वर कौन है? और चौथी बात, आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं? घंटी बजाना, चक्कर काटना, गंगा जी को साफ करना, देखो। तो आध्यात्मिक साधना क्या है? ये चार चीजों के बारे में जब तक के निर्णय नहीं होगा, तब तक के हम बड़े अच्छे हैं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए ऐसा जो साधक है, निर्विद माया फिर तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत। अगली बात बताते हैं, हमको चूंकि हिंदी आती है और हिंदी के संस्कृत के जो वर्णाक्षर है वो समान है, इसीलिए हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम अपने मर्जी से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो सत्यानाश। देखो, हमको अंग्रेजी पढ़नी आती है, अच्छी बात है, तो फिर कंप्यूटर पढ़ने की क्या जरूरत है? हमको मालूम है, हम तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना शुरू कर दिया। नाउ टेक द माउस एंड क्लिक। अब ये निकले एक चूहे को पकड़ने का पिंजरा लेकर के, यहाँ लिखा है टेक द माउस, अब माउस को लेकर के निकले। अरे भैया, अंग्रेजी का माउस और कंप्यूटर का माउस में फर्क होता है, शब्द वही है। इसी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करते समय केवल संस्कृत पढ़ सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छे, इस मंत्र पर भगवान शंकराचार्य की जो टीका है उसमें वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञान अन्वेषण न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास दुनिया भर की पीएचडी हो, उससे कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पांडित्य, एरुडिशन, स्कॉलरशिप, यही होगा। यह अध्यात्म नहीं। तो गुरु मेव अभिगच्छे, और कैसे जाए गुरु के पास? समित पाणि ही, वैराग्य से परिपूर्ण हो करके। जो संविधा डालते हैं अग्नि में वो सुखी होनी चाहिए, वैसे ही हृदय में वैराग्य की पराकाष्ठा हो, ऐसे समित पाणि ही। फिर किस गुरु के पास चले जाए? तो कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो विद्यार्थी के लक्षण बताए और आचार्य के लक्षण बताए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य है जिन्होंने शास्त्र सम्मत अध्ययन किया है परंपरा से, और केवल वो प्रवचन दे करके पैसा कमाने में नहीं लगे हैं, बल्कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, जैसे जपनिष्ठ हमेशा जप करेगा, योगनिष्ठ हमेशा योग करेगा, कर्मनिष्ठ हमेशा कर्म करेगा, इसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ माने जो अपने स्वरूप में स्थित रह करके इस दुनिया में जी रहा है, ऐसे गुरु के पास जावे और इसका अध्ययन करे। इसलिए उपनिषद का विद्यार्थी और उपनिषद का आचार्य दोनों क्वालिफाइड हो, तब जा करके ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। कठोपनिषद में कहते हैं, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि तत्व के बारे में चिंतन करके उसको विद्यार्थी के समझ में आए इस प्रकार से प्रतिपादन करना, ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है कि ये तत्व शब्दों से नहीं बताया जाता, और फिर भी ये शब्द उपयोग करके जो शब्द के परे है उसको प्रकट करते हैं, आश्चर्य है। और कुशलानुशिष्टा, ऐसे कुशल के द्वारा बताया गया, आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा, और आश्चर्य ज्ञाता, उससे भी आश्चर्य ये है कि वह विद्यार्थी, वह अंतेवासी, वह शिष्य जो वस्तु समझ के परे है उसको समझ कर रहा हो। देखो संतो,
इसलिए दोनों का अधिकार अत्यंत आवश्यक है। तो जो उपनिषद है उसकी उसका अर्थ बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि उप, नी और शद तीन शब्द है, उसमें शद धातु है और उप और नी ये उपसर्ग है। उपसर्ग माने प्रीफिक्स। तो शद धातु के तीन अर्थ है, हिंसा, गति और अवसादन। हिंसा माने नष्ट करना, जिसके ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है वह उपनिषद। गति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, डेस्टिनेशन, क्या हम चाहते हैं जीवन में, वो लक्ष्य को प्रतिपादित करके हमको वहां पहुंचा देते हैं। और अवसादन माने ढीला करना, जिसके अध्ययन से संसार का बंधन अपने आप ढीला होने लग जाता है, ऐसा जिसमें ज्ञान है उसको कहते उपनिषद। अब उप और नी का अर्थ क्या हो गया? उप माने नजदीक, जैसे कहते उपवास। हम लोग उपवास का अर्थ करते दबा के खाओ। देखो उपवास के समय हम जब जाते हैं ना कई घरों में खाने के लिए, तो पूछते लोग, स्वामी जी कल आप उनके यहाँ जाना है, कल एकादशी है, आप एकादशी करते हैं क्या? तो मेरा प्रश्न पूछते, वो कौन है? गुजराती, मारवाड़ी हो गए तो एकादशी करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन गुजराती और मारवाड़ियों के यहाँ ऐसे बढ़िया खाना बनता है, पूछो मत। बाकी का वो जो रही है आपका राजमा और दाल चावल रोज का ही है। तो उप माने नियर, उपवास माने प्रभु के पास रहना। प्रभु के पास रहना माने भोग से उपरत होना। जो भोग में रहेगा वो कैसे भगवान के पास रहेगा? लेकिन हमारे लिए उपवास माने दबा के खाओ। उप नजदीक। और नी, नी माने निश्चय पूर्वक, नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। हम जो भी करते हैं उसमें पूरा दिल नहीं लगाते, इसीलिए जीवन में आनंद नहीं आता। देखो तो यह उपनिषद जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो उसके द्वारा ये सब समस्या और प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। पहली समस्या आध्यात्मिक जीवन माने क्या, दूसरी समस्या साधना क्या करनी है, तीसरी समस्या भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं देते, चौथी समस्या कि हम गुरु को ढूंढने के लिए कहाँ चले जाए, गूगल करें कहाँ चले जाए। देखो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लेना है। इसके लिए हम इस कैवल्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कैवल्य उपनिषद का, उपनिषद का अर्थ आपको बता दिया, अब कैवल्य का अर्थ समझ ले। केवल के भाव को कैवल्य कहते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र को दाशरथी कहते हैं, दाशरथी राम, परशुराम, जगजीवन राम। देखो ना कितने राम हो गए। रावण को खामोखान बदनाम करके रखा है, रामों ने ही सब परेशानी कर दी चारों तरफ। तो कैवल्य का तात्पर्य केवल माने मात्र, 100 रुपये मात्र, ओनली, ओनली माने एकमेव अद्वितीय। एकमेवा द्वितीय माने केवल माने जिसमें तीन प्रकार के भेद नहीं होते। एक भेद है विजातीय भेद। विजातीय भेद माने क्या? जाति माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शेड्यूल का ही जाति नहीं है, ये पॉलिटिकल बात है। जाति का अर्थ होता है आकार। तो मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, उसको जाति कहते हैं। तो विजातीय भेद का अर्थ हो गया जिसमें जैसे पेड़ पौधे और पशु ये दोनों अलग अलग है, इस भेद को कहेंगे विजातीय भेद। सजातीय भेद सभी पशु है, एक गाय है, एक बकरी है, एक सुअर है, एक घोड़ा है, तो एक ही जाति के है, उसमें भेद हो गया सजातीय।
फिर स्वगत भेद, स्वगत भेद माने एक ही गाय है, उसमें सिंह जो है वो दुम नहीं है, दुम जो है वो पैर नहीं है, पैर जो है वो पेट नहीं है। इस प्रकार के जो तीन भेद है, ये तीन भेदों का जिसमें संपूर्ण अभाव है उसको कहते केवल। और इस अनुभूति में निष्ठावान जो रहता है उसको कहते कैवल्य। देखो तो यह जो कैवल्य उपनिषद है हमको स्थिति में पहुंचा देगा। तो कौन से भेद है जहां हम दुनिया में दुखी होते हैं? एक है भेद जीव जगत और ईश्वर, इन तीनों को लेकर के, ईश्वर और जगत का भेद विजातीय, जीव और जगत का भेद विजातीय, उसके बाद जगत और ईश्वर का भेद विजातीय, फिर जीव और जीव का भेद सजातीय। देखो, और जो जगत जगत का भेद ये सजातीय। इस प्रकार से जीव जगत ईश्वर ये तीनों के भेद जहां समाप्त हो जाते हैं वो अपना असली स्वरूप है। ये कठिन नहीं है संतो, थोड़ा सूक्ष्मता से ग्रहण करने से क्लियर हो जाता है। अब इसको हम आपको एक प्रकार से समझाते हैं। मैं आदमी हूं, मेरे पिताजी की उपाधि को जब मैं धारण करूंगा तो मुझे क्या कहेंगे? पुत्र। जब मैं अपने पत्नी की उपाधि को धारण करूंगा तो मुझे कहेंगे पति। जब मैं अपने पुत्र की उपाधि को धारण करूंगा तो मुझे कहेंगे पिता। तो क्या मैं तीन हो गया? एक ही है ना। और दुखी कौन होते हैं? पुत्र दुखी है हिटलर बाप के कारण, पति दुखी है महाकाली के कारण, और पिता दुखी है ये बच्चे के कारण। और ये कहां है? आदमी से इन तीनों को अलग अलग करके दिखाओ। जब हम आदमी के रूप में जिएंगे तो ना दुख है ना सुख है, ये औपाधिक अनेकता, यही संसार है। इससे अपने आप को बचाना है। देखो संतो, इसीलिए इस कैवल्य उपनिषद है, कोई भी उपनिषद लो, इसको पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए हर एक व्यक्ति अधिकारी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति टांग टूटी हो और गर्दन में पट्टा लगा हो और क्रेचेस पर चल रहा हो, वो व्यक्ति जिम में जाने का अधिकारी है क्या? वो तो हॉस्पिटल में जाएगा ना। इसी प्रकार से उपनिषद का अध्ययन करने वाला साधक वैसा ही है जैसे कोई जिम में जाता है। आप देखेंगे हॉस्पिटल में कितनी भीड़ भड़क्का होता है और जिम में वहां 15-20 ट्रेडिंग मशीन पड़ी रहती है, कोई चढ़ने को तैयार नहीं वहां। देखो इसी प्रकार से जहां ये तत्व चिंतन होगा सूक्ष्मता से, वहां हर एक को जाने के बाद भी वो नहीं टिक सकता। बाहर से आप कह दो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। देखो एक बार की बात है, रिजर्वेशन से हमको याद आई, हम बीच अपने IIT पवई में थे, वहां एक कैंटीन में हमारा लेक्चर था, सेक्युलर है ना इसीलिए कॉलेज भी नहीं रख सकते थे। लेक्चर होने के बाद एक लड़का हमको मिलने आया और आके कहता है स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने करो, बोले सबके सामने नहीं है, ठीक है फिर हम लोग अलग बैठते हैं। हम दूसरी टेबल पर बैठे और चाय पी रहे थे, वो मुझे बता रहा था स्वामी जी यहाँ के टीचर लोग पढ़ाते नहीं ठीक से और बाकी के स्टूडेंट जो है वो तो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो उन्हें बाकी स्टूडेंट यदि कंप्लेन नहीं करते तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो? बोले ये ठीक से नहीं पढ़ाते। बोले उनके लिए तो वही टीचर है ना। बोले हाँ, फिर उनका क्या है? बोले वो तो जा करके पढ़ लेते हैं वहाँ लाइब्रेरी में, तुम क्यों नहीं पढ़ते? मुझे नहीं समझ में आता। फिर मैंने उसको पूछा,
तूने एडमिशन सामने के दरवाजे से ली कि पीछे से दरवाजे से ली? बोले स्वामी जी मैं कोटे से आया हूं। कोटा के पत्थर यदि सीलिंग को लगावे तो कैसा मजा आएगा, ऊपर से गिरा तो पत्थर भी टूट जाएगा, जिस पे सर पर पड़ेगा वो भी टूट जाएगा। एडमिशन तो आप दे दोगे, समझदारी कहां से लाओगे? देखो इसी प्रकार से हम जाके बैठेंगे तो सही, लेकिन समझदारी तभी आएगी जब हम अधिकारी है। कौन सा अधिकार है इसमें? यही अधिकार है निर्वेद मायाद। अब ये दुनिया से हमने अपने आप को उपरत कर लिया है, अब दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा जो उच्च कोटि का साधक है, ऐसे साधक के लिए उपनिषद होती है। और इसीलिए आप देखेंगे भीड़ भड़क का जब होता है ना जगरकता, वहां भीड़ चलती रहेगी, वहां दिमाग लगाने का काम ही नहीं कुछ। देखो तो यह कैवल्य उपनिषद, अनेक उपनिषद है हमारे वेदों में, उसमें से वो उपनिषद जिन पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है उनको अंग्रेजों ने नाम दे दिया, इसीलिए हमने स्वीकार किया। हम जब बताते हैं तो वो गलत होता है, अंग्रेज बताएंगे तो ठीक होता है। तो अंग्रेजों ने नाम दे दिया, वो मेजर उपनिषद है। और जिस पर भगवान शंकराचार्य की भाष्य नहीं है उसको कहते हैं माइनर उपनिषद। उपनिषद मेजर माइनर नहीं होता। देखो जैसे एलिमेंट्री फिजिक्स, तो फिजिक्स एलिमेंट्री है कि वो पढ़ने वाला विद्यार्थी एलिमेंट्री है? फिजिक्स तो वही है, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चों के लिए वो जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी उल्टा काम करता है, बड़ों के लिए सीधा काम करता है, ऐसे नहीं होता। इसी प्रकार से ये मेजर माइनर के चक्कर में कई साधक फंस जाते हैं। नहीं हम तो मेजर उपनिषद पढ़ने हैं ना, हम तो यहाँ ब्रिगेडियर उपनिषद पढ़ाते हैं, इस चक्कर में मत पढ़ना। उपनिषद उपनिषद ही है। किसी भी उपनिषद का प्रारंभ होता है परमात्मा का स्मरण करने से। कोई भी सत्कार्य शुरू करे तो भगवान का स्मरण करने से मन शांत हो जाता है। जब तक के मन शांत नहीं होगा तब तक के बात ग्रहण नहीं होती। जो विक्षेपित मन से प्रभावित है ऐसे व्यक्ति को हम ना कुछ बता सकते हैं और ना कुछ समझ सकता है। इसीलिए उपनिषद का अध्ययन मूल रूप से प्रातः काल में करते हैं, हम कुछ बनने के पहले। यदि यहां आप सांस बन करके बैठी हो तो जो भी बताएंगे हाँ मेरे बहू के लिए ठीक है, क्योंकि सुनने वाला साधक नहीं है। ये बात मुझे कैसे पता चली मालूम है? हम तो आप ही लोगों से सीखते हैं, हमारे सब गुरु महाराज आप हो। एक जगह वर्सोवा में मुंबई में हमारा भगवद गीता के ऊपर प्रवचन पहले दिन का ही पूरा हुआ और हम नीचे उतरे स्टेज से। जैसे नीचे उतरे एक सिंधी अम्मा आई, गोल मटोल, नो शार्प एजेस। आने के बाद मुझे कहती स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया, जितना बताया सबका सब मेरे बहू के लिए फिट होता है, तो आप मेरे घर चलो उसको बताओ। क्योंकि सुनने वाली कौन थी? साधक नहीं, सांस थी। देखो बिल्कुल सरल बात है ये। और जब तक कि हम कुछ बनते नहीं तभी तक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तभी अपनी साधना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके जो पूजा पाठ पोती ध्यान जप करना है उस वो करने के बाद फिर आप कुछ बनो। नहीं तो जो भी आप करोगे उस पर इस व्यक्तित्व का प्रभाव होगा। और व्यक्तित्व का प्रभाव यही है, हम सभी के सभी दो चीजें करते हैं। एक तो अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं, मैं पति हूं तो दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं सास हूं तो दुख का कारण मेरी बहू। तो फिर मेरी साधना क्या होगी? पति को सुधार। जिसको सुधारा जा सकता है वो पति नहीं होता, वो पति तो पावन है, सुधारा नहीं जा सकता।
और जो सास है बहू को सुधारना चाहती है, ये कभी संभव नहीं। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान, असंभव प्रयास, इस चक्कर में ना रहे। और उसके लिए करना क्या है, कुछ बनने के पहले अपना प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो निभा लो। इसीलिए उपनिषद का अध्ययन प्रारंभ सुबह सुबह हो जाता है। अच्छा, उस समय मन शांत रहता है क्योंकि कुछ हम बने नहीं, तो ऐसे शांत मन को भगवान की तरफ मोड़ना है। कई बार हमारा मन शांत होता है लेकिन प्रकृति में लीन हो जाता है, जिसको कहते हैं नींद। कई लोग बैठे बैठे सत्संग में सोते क्यों हैं, उनका दोष नहीं, पूरे जीवन में यही प्रैक्टिस करी है। जहां मन शांत हो गया सो जाओ, तो यहां आकर के बैठते हैं, थोड़ी देर में मन शांत हो जाता है और फिर झटका मेडिटेशन शुरू हो जाता है। देखो, इसीलिए ना तो मन विक्षेपित हो, ना तो मन सो रहा हो, जग रहा हो लेकिन विक्षेपित ना हो, ऐसे मन में यह ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। ओम भद्रं कर्णे मे श्रृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, वेशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहले ओम का उच्चारण करते हैं। ओम ये परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये तीनों प्रकार के अभिव्यक्तियों का एक ही नाम है ओम। इसमें सब कुछ आ गया। जो राम के भक्त हैं उनके लिए भी ठीक है, जो योगा करने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो तत्व चिंतन करने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है। ओम पंचदशी में आता है, यदि आपका मन विक्षेपित हो रहा हो तो उसके लिए ये टेक्निक बताइए। आप अभी मत करना, घर में जब आप बैठे हो मन विक्षेपित हो तो एक जगह बैठ करके दीर्घम प्रणमम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। मन में जो आदत के अनुसार विचार आने की प्रक्रिया है, हैबिचुअल थिंकिंग, कुछ विषय नहीं होता, कोई आवश्यक भी नहीं होता, फिर भी हमारा मन खुजर 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 चलते रहता है। और फिर हम ही थक जाते, यार पता नहीं फालतू क्या मैं विचार कर रहा हूं। देखो, तो ऐसा जो मनोराज्य कहते हैं इसको, इस मनोराज्य को कम करने के लिए प्रणव का, ओंकार का दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। और आपने देखा होगा कई लोग जब ओंकार का उच्चारण करते हैं तो ओ को लंबा करते हैं, ओ, ये नहीं, म का उच्चारण लंबा करना चाहिए। ये ओ का उच्चारण हमारे गंगा किनारे के पास जितने रात के कुत्ते हैं वो करते हैं, ओ, पूरे रात भर ओंकार का ध्वनि चल रहा है। देखो, मकार का उच्चारण दीर्घ करना है, ओ, मकार का उच्चारण करने से दीर्घ, जो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वो पूरे शरीर के अंदर में एक एक पेशी को, एक एक सेल को एकदम फ्रेश बना देती है। देखो, तो ओम भगवान का स्मरण किया, फिर
क्या कहते हैं, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवाहा, हे भगवान हम लोग अपने कानों से अच्छा सुने, पवित्र सुने, भद्रम सुने। हम कैसे अच्छा सुने, लोग गाली दे रहे, जो गाली दे रहा है उसको अच्छा कैसा सुने। देखो साधक का जीवन कैसे होता है। एक महात्मा जी थे, उनको दूसरे ने गालियां दी, तो ये महात्मा जी के जो चेले थे, वो चेले ने कहा ये महाराज उसको दो सुना क्या हूं क्या, वो तो आपको उल्टा सीधा कह रहा है। तो वो कहते हैं कि देखो वो जो कह रहा है उसके साथ मैं सहमत हूं। मतलब कैसे, वो तो आपको बुरे शब्दों से निंदा कर रहा है। बोले देखो यदि वो मुझे मैं देह समझ करके मेरी निंदा कर रहा है, तो मैं तो अपने देह की निंदा स्वयं करता हूं, तो वो तो मेरा ही समर्थन कर रहा है ना, गाली कहां हो रही। और वो यदि मुझे आत्मस्वरूप समझ करके गाली दे रहा है, तो हरेक को अपने आप को कुछ भी कहने का अधिकार है। भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवाहा, अगला क्या कह रहा है उससे महत्व की बात यह है आप क्या सुन रहे हो, यह महत्व की बात है। देखो जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को चलाओगे, तब आपको पता चलेगा कि बुरा जो देख रहा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जगत में सभी अच्छे हैं, सब अपने ही चाहने वाले हैं। लेकिन हो जाता क्या है, तू तू मैं तू तू शुरू हो गया, ये इसकी गाली, वो उसकी गाली दे रहा है। अरे हम लोग पॉलिटिशियन थोड़ी है, हम लोग अध्यात्म के साधक है, हमको इस चक्कर से निकल जाना है। भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवाः, फिर भद्रम पश्ये माक्ष भिर्य जत्राः, हे उपासना करने, यजन करने, पूजा करने योग्य भगवान, भद्रम पश्येम, पश्येम अक्षभी, अक्षभी माने आंखों से, तो हम अपने आंखों से हमेशा अच्छा देखें, माने हर चीज में अच्छा ही देखें। ये केवल अपने एक स्वभाव बन जाता है, नहीं उनका सब तो ठीक है लेकिन, अरे लेकिन में क्यों जा रहे हो। एक बार आदमी को वो आदत हो गई दुर्गुण देखने की, तो केवल उसी में ध्यान जाएगा। इसीलिए हरेक में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। एक सुभाषित आती है, उसमें कहते हैं एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई औषधि का गुण ना हो, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति ना हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कम से कम एक अच्छा गुण ना हो। फिर प्रयुक्ता तत्र दुर्लभा, केवल अन्य में अच्छाई देखने वाला दुर्लभ है। इसीलिए भद्रम पश्येमाक्ष भिर्यजत्राहा, अब देखो यदि हमने इधर ध्यान दिया, जगत के साथ व्यवहार करते समय हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है, व्यवहार में लगने के पूर्व, व्यवहार करते समय, व्यवहार होने के बाद हमारे मन का संतुलन यदि बना रहा, तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। ये तो हमेशा एक्साइटेड, गुस्सा, डांट उसको डांट, अरे कोई घर है कि नरक है। देखो जिस घर में शांति नहीं वो घर नहीं। एक हमारी सीडी है, उसको कहते हैं प्यार को नमन करो, प्यार का चलन करो, जीवन में प्रेम ही सबसे महत्व का है। उसमें वो कहते हैं लेख, वो जो कवि है राजस्थान के, अब नहीं रहे हो, वो कहते जिस घर में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो घर नहीं मसाना है। देखो और ऐसे घर के जो बच्चे होंगे उन पर क्या प्रभाव होता होगा। और फिर हम कह दिए आजकल के बच्चे साथ नहीं रहते, अरे बड़े हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा। और कहते बड़े आदर नहीं देते, हम में है क्या,
कि कोई हमको आदर दे. दोज हु डिमांड रिस्पेक्ट दे डोंट कमांड रिस्पेक्ट. देखो इसीलिए आवश्यक यह है जगत में रहते समय अपने मन के संतुलन को किसी भी हालत में मत खोना. आगे कहते हैं स्थिर ही रंग सुष्टवागम सस्तनु भी वशेम देव हितम यद आयु. फिर जीवन भर क्या करें यद आयु जो जो हमारा पूरा जीवन है वो देव हितम सबकी सेवा करने में लगा दे. और जो सेवा करना चाहता है उसको स्वयं को स्वस्थ होना चाहिए. जिसकी कमर टूटी है जो हाथ से नहीं उठा सकता जिसकी गर्दन टेढ़ी है वो क्या सेवा करेगा. तो अपने स्वास्थ्य को रखने का प्रयोजन सबकी सेवा हो. अब देखो सेवा से क्या होता है. रामचरितमानस में हनुमान जी को उपदेश किया जाता है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत. जगत में कैसे रहे अपने आप में यदि सेवा भाव जागृत हो जाए तो सेवक का कभी भी अपमान नहीं होता मालिक का अपमान होता है. देखो जैसे समझो हमारे सुनील जी हमारे बॉस है हम उनके सेवक हैं. तो ये बॉस लोग क्या करेंगे 10-50 लोग आ गए उनके सामने अपने बड़ापन दिखाने के लिए नौकर को बड़े तुच्छता से बुलाएंगे और कहेंगे सबके लिए पानी ले आ यार तुम बेवकूफ लोग हो जल्दी ले आ. उसने कुछ किया भी नहीं गाली दे दी. किसी के भी मन में ये भाव नहीं आएगा कि नौकर का अपमान हुआ है. और यदि मैंने नौकर ने उल्टा जवाब दे दिया तो भाव जी कितना पानी पीते हो टैंकर हो गया. ऐसा यदि नौकर ने कह दिया तो देखो आजकल के नौकर कितने हो गए उद्दंड अपमान करते हैं. उसका अपमान नहीं होता. जिसको जिसको अपमान फील होता है वो बॉस बन के बैठा है. देखो इसीलिए स्थिर ही रंग सुष्ट वागम सस्तनु भी वशेम देव हितम यदायु. अपना शरीर की साधना है सेवा वाणी की साधना है प्यारे वचन मन की साधना है क्रिएटिव थिंकिंग. आगे कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा. इंद्र जो है हमारे हाथों की देवता है. तो वृद्ध श्रवा माने जिसका यश बहुत बड़ा है. तो किसी का भी यश तब बड़ा होता है जब उसने अपने आप को सबके लिए लगाया है. तो ऐसे इंद्र हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए. देखो ये छोटी छोटी बातों में बहुत फर्क पड़ता है जीवन में. सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः. सुख दुख के लक्षण क्या है ये दो बातें हैं. आप यदि स्ववश हो किसी पर किसी भी चीज के लिए अवलंबित नहीं हो तो चक्कर ही नहीं कोई. हम अवलंबित रहते हैं वो प्लास्टिक के घड़ी पर जो घंटी बजा करके हमको उठाएगी. एक बार हम केरला अपने तमिलनाडु में गए थे किसी के यहाँ. बहुत पुरानी बात है 30-40 साल पहले की. तो वहाँ जिस घर में हम रहते थे उस घर की छोटी सी लड़की ने मुझे 2-3 दिन के बाद एक गिफ्ट दी. बोले स्वामी जी आज मेरा बर्थडे है तो मैं आपको गिफ्ट देती हूँ दे दो. बोले आंखें बंद करो. हमने आंखें रख दिया. बोले खोल के देखो. हमने खोल के देखा एक छोटी सी प्लास्टिक की घड़ी थी. बोले आपको सुबह जल्दी उठना होता है ना इसीलिए मैंने आपके लिए अलार्म क्लॉक दे दिया है. हमने कहा तुम रख लो. मैं सुबह उठता हूँ प्लास्टिक के कारण नहीं. देखो जो व्यक्ति अपने स्वतंत्रता से नींद से उठ नहीं सकता वो कोई व्यक्ति है पड़े है. नहीं अभी नहीं थोड़ी देर के बाद. कारण क्या है केवल हमने यही पढ़ा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. लेकिन करते कुछ नहीं. और आजकल ये जो डिजिटल जोक्स आते हैं ना उसमें था स्कूल में बताया ये कहावत को पूरा करो अर्ली टू बेड एंड
तो इतना करके छोड़ दिया, पूरा करो। तो बच्चे ने लिख दिया, या तो वहां वाईफाई नहीं होगा या तो बीबी नहीं होगी, इसीलिए अर्ली टू बेड, दूसरा करेंगे क्या। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाहा। पूषा माने सूर्य भगवान, सूर्य हमारा कल्याण करे। सूर्य कल्याण तब करेगा ना, हम कमरे के अंदर में बैठे हैं और कहेंगे देखो जी सूर्य का प्रकाश मुझे नहीं मिल रहा, बाहर जाओ ना। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है बिस्तर से, वो अगले जन्म में खटमल होता है। खटमल महापुराण में ये आता है, देखो आ रहा है। इसका मतलब है हम सभी लोग वैसे होने वाले हैं। सुबह जल्दी उठने से हम कुछ बनते नहीं, पूरा समय अपना रहता है। उसी समय में जो कुछ आपकी साधना करनी है कर लो, लेकिन हमारा चक्कर क्या है कि हम बैठेंगे रात भर जगते हुए यूजलेस टीवी देखते हुए, और फिर सुबह में नींद खुलती नहीं, और फिर 9-10 बजे तक पूरा का पूरा जो चक्र चल रहा है प्रकृति का उसका नाश कर दिया। इसीलिए स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्व वेदाहा। सुबह जल्दी उठे और तभी हमारा स्वस्ति कल्याण हो सकता है। तीसरी बात, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्ट नेमि। तार्क्ष माने गरुड़। गरुड़ शब्द पर बैठ करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठते हैं ना, गरुड़ का अर्थ है शब्द। तार्क्ष माने यह गरुड़, अरिष्ट नेमी हमारे जीवन के जितने अरिष्ट है उसको मिटाने वाला केवल एक ही है, और वो है शास्त्रों का ज्ञान, अपने स्वरूप की पहचान। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कंप्लेन ही करते रहेंगे, और फिर कंप्लेन करने के बाद हम ऐसे महात्माओं को ढूंढेंगे जो हाथ लगा दे और हमारे कमर का दर्द चला गया। ये जो टच ब्रांड होते हैं ना, दोनों एक जैसे ही है। एक आपको बात बताए, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। और उनके जीवन के लीला में कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसे जब जरासंध ने 18वें बार मथुरा पर आक्रमण किया, उस समय भगवान ने बताया सभी मथुरावासियों को, सबके सब आंखें बंद कर लो, जो आंखें नहीं बंद करेगा वो मरेगा। तो सबने आंखें बंद कर ली एक क्षण में। फिर उन्होंने कहा चलो आंखें खोल दो, तो सब के सब पहुंच गए द्वारका, जिनमें ये योग शक्ति है। क्या वो अर्जुन को हाथ लगा करके उसका मोह दूर नहीं कर सकते थे? देखो हम लोग इसी में फंस जाते हैं। दूसरों से लिए हुए पैसे से कोई अमीर नहीं बनता, अपना होना चाहिए। उसी प्रकार से तार्क्ष हमारे जीवन के जो कष्ट है दुख है उसको नियंत्रण में लाना और मिटाने वाले केवल हमारे शास्त्र के अध्ययन है। और स्वस्ति नस्तार्क्षो बृहस्पति, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति है देवताओं के गुरु। बृहस्पति माने बुद्धि के देवता। अब बुद्धि के देवता हमारा कैसा भला करेंगे? ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। आध्यात्मिक साधना का एक अर्थ ये है, हम अपने जीवन के हरेक अनुभूति से सीखना, यही आध्यात्मिक साधना है। हरेक अनुभव हमारा गुरु है। देखो यानी ये साधना शुरू कर दो, और ये हम करते भी हैं। जैसे कभी बचपन में बिजली के वायर को हाथ लग गया तो शॉक लगा, तो उसके हमने सीख लिया,
फिर वो वायर ऐसे ही पड़े हो कहीं, बिजली के साथ जोड़े भी नहीं हो, फिर भी नहीं पता नहीं यार, देख लेना एक बार, ऑफ है कि निकाल दो पहले, अरे निकला है ना वो, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि सीखा है कि उसको हाथ लगाने से शॉक लगता है। और यही सीखने की प्रक्रिया जीवन में ले आओ, क्या सीखे, बचपन से आज तक कितनी इच्छाएं पूरी करी है हमने, 1-2 हजारों इच्छाएं पूरी करी, लेकिन क्या ये इच्छाओं को पूरा करके जीवन में कृतकृत्यता आ गई क्या? एक इच्छा को पूरा करो, दूसरी खड़ी है, दूसरी को पूरा करो, तीसरी खड़ी है, और हमने सीखा कुछ नहीं। इच्छा को पूरा करने से परिपूर्णता जीवन में नहीं आती, और इच्छा के बोझ को लेकर के जो मरता है वो उसी फैमिली में पैदा होता है। देखो, इसीलिए बृहस्पति की हम पर कृपा हो, उनके आशीर्वाद मिले, इसका तात्पर्य वो बृहस्पति भगवान हमारे ही हृदय में है और हमको सीखना है, सीखना है। यदि हम अपने हर एक अनुभूति से सीखेंगे तो हर एक अनुभव के साथ हम समझदार होते जाएंगे। जो समझदार है वही साधक है, जो ना समझ है वो बेवकूफ है। और देखो ये समझने की बात कैसे मदद करती है। एक बार एक छोटा सा बालक, और उसको कुछ तो भी चाहिए था, तो उसने पिताजी को मांगा, पिताजी ने नहीं दिया, ऊपर से डांट दिया कस के। तो पिताजी बाहर जाने के बाद मैं उसके साथ बात कर रहा था, देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं और वो बड़े प्राउड है तुम्हारे बारे में। बोले स्वामी जी आप मुझे समझाने का प्रयत्न मत करो, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी को क्या है, वो कोई भी बात करने के पहले ना कहते हैं। उनको कहो कि पापा पिक्चर को जाएंगे, नहीं नहीं, फिर कहेंगे चलो पिक्चर को जाते हैं, उसने सीख लिया है। उनको कहो पापा चलो हम लोग घूमने जाएंगे, नहीं नहीं घूमने नहीं जाना है, चलो घूमने जाते हैं, तो उनका वो तकिया कलाम हो गया, नहीं 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 नहीं, बच्चे ने सीख लिया है। इसी प्रकार से हम यदि अपने हर एक अनुभूति से सीखे कि इस व्यक्ति से बात करने से मन में विक्षेप आते हैं, बात करना बंद, कैसे बात कर, वो जो भी कहे कहने के पहले हाँ कह दो, द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। खामो खाम दिमाग खराब करने से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से बृहस्पति की कृपा हम पर होगी। ओम शांति 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 ही। तीन प्रकार की शांतियां, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति के लिए कहा गया है। आदि भौतिक शांति का तात्पर्य क्या है, हमारा स्थूल देह जब हम चाहते हैं तब हमारे लिए उपलब्ध होवे बिना किसी कंप्लेन के। देखो नहीं मुझे भी आना था सुबह मेडिटेशन के लिए लेकिन नींद ही बहुत आ गई। अब ऐसे आदमी को कौन मदद कर सकता है, ये देह हमारे लिए कि हम देह के लिए। देखो ओम शांति, दूसरी शांति मन के लिए, सूक्ष्म देह जब हमारा मन हम चाहे तब जिस कार्य में लगाना चाहे तब जितने समय तक लगाना चाहे तब उतने ही तत्परता से लगने के लिए तैयार रहता है तब हमारा मन शांत है। शांत मन का ये नहीं कि सो गए, नहीं 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 नहीं, एकदम अलर्ट विजिलेंट क्वाइट, ऐसा ही मन नित्य उपलब्ध रहेगा। और फिर ऐसे मन को जप करने में लगा दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कहीं आपका मन नहीं जाएगा। आप जब जप करते हो तो ध्यान कहाँ होता है? देखो यदि आप जप करते समय ध्यान बाहर होगा, या जप करते समय संगीत में होगा, या जप करते समय मुंह में होगा,
या माला में होगा। और यदि आप ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान उस शब्द का प्रारंभ कहाँ से होता है और वो शब्द वापस कहाँ लौट के जाता है, उस आध्यात्मिक हृदय पर होगा, तो देखो कितना फर्क पड़ता है। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। मन को शांत करने के लिए एक चुटकी से भी कम समय लगता है। तो पहली शांति देह को लेकर के, दूसरी शांति मन को लेकर के, और तीसरी शांति कारण देह, हमारी जो गलत धारणाएं हैं उनको मिटाना है। देखो वेदांत शास्त्र की सुंदरता यही है, गलत धारणाओं को मिटा करके नई धारणाओं का आह्वान नहीं करना है। बाकी सभी मार्गों में यही होता है, वन नोशन इज रिप्लेस बाय अदर नोशन। जैसे योग में, पहले मैं भोगी था, अब मैं योगी है। पहले मैं लंबे देर तक सोता था, अब मैं कम देर तक सोता हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ। मैं तो बना है ना, समय मांस की घास की नहीं, समय मैं की है। ये समस्या को हटा देना है। देखो इसीलिए यह बड़ी सूक्ष्म बात है, अपने मैं को जिससे मिटाया जाता है वही आध्यात्मिक साधना है। तो वेदांत हमको यही करता है, इसीलिए तीसरी शांति इस कारण देह अज्ञान को मिटाना, और जहां अज्ञान मिट गया वहां ज्ञान प्रकट अपने आप हो जाता है, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वरूप है। देखो इस प्रकार से इस प्रार्थना के द्वारा हमने अपने आप को इस अध्ययन के लिए अब तैयार किया है। अब उपनिषद का प्रारंभ होता है। अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्योवाच। अथ माने इसके बाद, किसके बाद, जब कर्म कर लिया अंतकरण को शुद्ध कर लिया, उपासना कर ली अंतकरण को एकाग्र कर लिया, शुद्ध एकाग्र अंतकरण जब जगत से उपरत हो गया, ऐसा जो साधक है वो बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग है। देखो अथ, अथ माने कब, अब ये दुनियादारी से हट गए हैं, मन एकाग्र हो गया है लेकिन उदास नहीं है। देखो डिप्रेशन और डिस्पैशन दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों में विड्रावल है, दोनों में हम अपने आप को वापस लौट लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन रोग है, डिस्पैशन स्वार्थ है, स्वस्थ है। तो अथ फिर क्या हुआ, अश्वलायनहा, एक अश्वलायन नाम के बड़े ऋषि आते हैं ऋग्वेद में, तो ये अश्वलायन जी जो थे वो भगवंतम परमेष्टिनम, परमेष्टिन माने ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कैसे पहुंचे, समुपेत्य, सम्यक उपेत्य, ठीक प्रकार से। ऐसे नहीं कि जा रहे, जैसे हम लोग जाते हैं ना तो कोई मिल जाता है कहीं ना कहीं। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप मेडिटेशन में डील करते हैं क्या, क्योंकि हम बाबा जी हैं ना। तो हमने कहा नहीं, लेकिन रिटेल नहीं, होलसेल होता है सर, मेडिटेशन में डील करते हैं। फिर हमने कहा ठीक है, डील है वो, बोल से बोले मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, दैट्स योर प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता। नहीं मुझे एक ही बात जाननी है, बाकी सब ठीक ठाक है। जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ तो मन भटकता है, तो क्या करूँ, मेडिटेशन मत करो, ये निर्णय ले लो, महत्व किसका है, मेडिटेशन का है कि मन की शांति का है। लक्ष्य ही नहीं, पता ही नहीं किस लिए क्या कर रहे। तो सम्यक उपेत्य, समझदारी के साथ गुरु महाराज के पास, और गुरु को ने उनके ब्रह्मा जी स्वयं भगवंतम परमेष्टिन उपसमित्य उवाच,
फिर उन्होंने कहा, अब क्या कहा उन्होंने, अब देखो जो साधक होता है उसके प्रश्न कैसे और जो संसारी होता है उसके प्रश्न कैसे। संसारी लोग प्रश्न किस लिए पूछते हैं और साधक प्रश्न किस लिए पूछता है। प्रश्न पूछने के अनेक प्रकार है। एक प्रकार है दूसरे की परीक्षा लेने के लिए, जैसे स्कूल में प्रश्न पूछते हैं ना, भारत की राजधानी क्या है, और विद्यार्थी ने लिख दिया, सर आपको इतना भी पता नहीं, किसने बनाया आपको टीचर। देखो तो वहां जो पूछा गया था भारत की राजधानी क्या है, ये परीक्षा हो रही थी। देखो दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ऑब्जेक्शन देने के लिए, आप कैसे लेट आए, माने आपको लेट आने की अपेक्षा नहीं थी, उस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, इट इज एन एक्सक्लेमेशन। और तीसरा होता है जिज्ञासा। तो यहां जो प्रश्न था जिज्ञासा युक्त प्रश्न, जो जानना चाहता है। जैसे कल शाम के लेक्चर में आपको बताया था, सज्जन ने हमको पूछा भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक कहे, अब क्या करोगे जान करके, अपने को नहीं पता, नहीं मुझे मालूम है। देखो ये जो अतपके होते हैं ना उसी में फंसे रहते हैं। तो कहते हैं ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। अधि ही भगवान ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम यया सद्भि सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिरात सर्व पापम व्यपोय परात परम पुरुषम याति विद्वान। कहते हैं अधि ही भगवान, हे भगवान, जिसके प्रति हमारे मन में आदर होता है उसी से हम ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। जिसके प्रति हमारे मन में आदर नहीं है उसकी कोई भी बात हम नहीं सुन सकते। यही कारण है बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि बच्चों के मन में हमारे प्रति आदर नहीं है। आदर होने के लिए हमारे पास आए क्या। देखो सुबह से शाम तक के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू है 24 घंटे, फिर क्या वो बच्चे हमारा आदर करेंगे, इसीलिए नहीं मानते। दूसरी बात, हमारे शब्दों में दम नहीं होता, हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए अधि ही भगवान, यदि हमारे मन में आदर ना हो तो उसके द्वारा हमारा ही नुकसान है। अब यहां ध्यान की बात सुनना, जो व्यक्ति आदर देता है वो श्रेष्ठ होता है, जो आदर ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ नहीं होता। क्योंकि आदर देने से किसको लाभ हो रहा है, जो आदर दे रहा है उसको लाभ हो रहा है, जो आदर ले उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमको लगता है देखो सभी लोग मुझे आदर दे रहे इसलिए मैं बड़ा हूं, नहीं वो बड़े हैं। आदि ही भगवान, आदर से व्यक्ति में नम्रता आ जाती है, और जो नम्र है वही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है उसी प्रकार से ज्ञान भी जब आदर युक्त बुद्धि से स्वीकारा जाए तभी वो ग्रहण होगा। तो अधि ही भगवान क्या पढ़ाओ, ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, जो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है ऐसे वरिष्ठ ब्रह्म विद्या मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ। क्या पढ़ा इस ब्रह्म विद्या में भाई, बोले सदा सद्भि सेव्यमानाम, क्योंकि सभी सद्भि माने साधु संतों के द्वारा, सभी साधु संतों के द्वारा इसी ब्रह्म विद्या का ही ग्रहण करने के लिए पूरे जीवन को लगा दिया है और इसीलिए वो श्रेष्ठ है। अब देखो इसमें सूक्ष्म बात क्या है, जो जो बात साधु संत अपने जीवन में स्वीकार करते हैं वही हमारे लिए अनुकरणीय है। हम लोग उल्टा विचार करते हैं, ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोग पैसा खाते हैं तो हमने खाया तो क्या हो गया। देखो जो अपने बुराई को लेकर के
ये पॉलिटिशियन लोगों का आधार लेकर के उसका जस्टिफिकेशन करता है, वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। देखो, इसीलिए सदा सद्भिः ही सेव्यमानाम्, जो साधु संतों के द्वारा ग्रहण होती है वही वस्तु श्रेष्ठ होती है। और साधु संतों के द्वारा ब्रह्म विद्या गृहित है, तो सदा सद्भिः सेव्यमानाम् निगूढ़ाम्, और ये अत्यंत सूक्ष्म है, ढकी हुई है। देखो, ये ढकने को समझ लेना ठीक से। ढकना किसको कहते हैं? एक कहानी आती है हमारे पुराणों में, एक कोई राक्षस था भस्मासुर, और उसने बड़ी तपस्या करी किसी भगवान की, और फिर वो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं उसका एकदम ऐश हो जाए, राख हो जाए। और उस बाबा जी ने दे दिया तथास्तु। अब वो उसी को लेकर उनके ऊपर ट्राई करना चाहता है, मुझे देखना इधर तुम्हारे सर पर हाथ रख करके। अब उनको मालूम था उसका कितना पावर है अपने आशीर्वाद का, ये भागे, और वो राक्षस उनके पीछे भाग रहा है। तो दूसरे देवता गए, क्यों भाग रहा है यार? यार मैंने उसको आशीर्वाद दिया और मेरे ही पीछे पड़ा है, क्या करूं? बोले ऐसे करो, भागो मत, फिर उसके हृदय में प्रवेश कर लो, और फिर उस भस्मासुर के हृदय में उस देवता ने प्रवेश किया। अब ये सब जगह ढूंढ रहा है, केवल अपने ही अंदर नहीं ढूंढता, तो जो होते हुए भी जिसकी उपलब्धि नहीं होती उसको कहते हैं ढका हुआ। देखो, उसी को कहते हैं डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी होती है। माने जो तत्व है नेचर के, प्रकृति के, वो तो ऑलरेडी वहां है, किसी भी साइंटिस्ट ने कोई निर्माण नहीं किया है। देखो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या न्यूटन ने निर्माण किया है? पृथ्वी की गति, ये जो चंद्रमा, तारे, ग्रह, इनका इधर उधर जाना, ये कि निर्माण थोड़ी किया है, इट वॉज डिस्कवर्ड। डिस्कवरी किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी है, लेकिन जो ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था? अज्ञान से ढका हुआ था। इसीलिए निगूढ़ाम, हम अपने आप को भूल चुके हैं। तो यह जो ब्रह्म विद्या है, यह हमको अपने आप को लखाती है। तो ये ढक्कन उतारने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। एक एक ढक्कन खोलो, कौन से ढक्कन है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये पांच कोशों के नीचे अपना स्वरूप ढका है। देखो, तो कहते हैं सदा सद्भिः सेव्यमानाम् निगूढ़ाम् यया, और जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा अचिरात, अचिरात माने इंस्टेंटेनियसली, एक क्षण के अंदर, उसी क्षण, ध्यान से सुनना, जो वस्तु अज्ञान से उपलब्ध नहीं है और जो वस्तु ज्ञान से उपलब्ध होती है, इसमें एक क्षण का भी समय नहीं लगता। देखो, जैसे कई बार होता है ना, कई लोगों को चश्मा सर के ऊपर रखने की आदत होती है, उनकी फैशन होगी, ये तो बाल उड़ते होंगे, जो भी हो चश्मा ऊपर रखते हैं या ऊपर देखते होंगे, अब फिर भूल जाते हैं चश्मा कहाँ रखा है, और परेशान हो गए इधर के उधर के, फिर अपना ही अपना हाथ सर पे मारे, पता नहीं मैं कहाँ रख देती हूँ, हाँ मिल गया। तो यह प्राप्तस्य प्राप्ति है, यह अभाव से निर्माण नहीं होता, इसीलिए अचिरात। रियलाइजेशन होने के लिए स्वामी जी कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ने पूछा था, तो हमने कहा देखो, एक स्त्री को और एक पत्नी को, दो हो गई ना, हाँ, तो पत्नी को स्त्री होने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है, पति को आदमी होने में कितनी मेहनत लगती है और कितना समय लगता है, और पत्नी स्त्री से कितनी दूर है और पति आदमी से कितना दूर है,
आदमी पति बन सकता है, पति आदमी कभी नहीं बन सकता, कारण वो ऑलरेडी आदमी है, बनावटी पति है, असली आदमी है। और दुखी होने वाला ये बनावटी है, असली नहीं है। यही सूक्ष्मता है, यही ढक्कन है, और ये ढक्कन बेवकूफी का है, इसको समझदारी से ही हटाया जा सकता है। तो सदा सन्विही सेव्यमानाम निगूढ़ाम यया चिरार सर्व पापम व्यपोह्य, तो सभी के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब कौन से पाप है देखो, छोटे मोटे पापों में मत फंसना, वो कोई खास पाप नहीं है। पाप करने है तो स्टैंडर्ड के करो ना। देखो देखो, रिश्वत लेनी है तो 10-20 रुपए क्यों लेनी है, करोड़ों में ले लो। देखो, लीद उठानी ही है तो गधे की क्यों, हाथी की उठाओ। देखो, तो सर्व पापम, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है हम हैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, और हमने अपने आप को देह मान के रखा है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, यही है सबसे बड़ा पाप। ये पाप की परिभाषा हमको बहुत अच्छी लगती है। सनत सुजातीय इस ग्रंथ में इसका विषय आता है, उसमें धृतराष्ट्र जो है वो विद्यार्थी है, सनत कुमार जी गुरु है, और उस समय वो बताते हैं, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। हम असल में अन्यथा संतम, असल में हम सच्चिदानंद स्वरूप है, अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को देह और जीव मान के रखा है, इससे बड़ा कौन सा पाप हो सकता है। और किम तेना न कृतम पापम, क्या उसने पाप नहीं किया। पाप माने क्या, दूसरे की वस्तु को अपनी कहना, उसी को पाप कहते हैं। ये देह ना हमने बनाया है ना हमारी मानता है, फिर भी हमने अपने आप को देह मान के रखा है। किम चोरिण आत्मा अपहारिणा, इससे बड़ी चोरी और क्या हो सकती है। देखो महाराज, इसीलिए ध्यान से सुनना, वेदांत की आध्यात्मिक साधना के दो पड़ाव है, तीसरा नहीं। पहला, देहात्म भाव की निवृत्ति, यानी देहात्म भाव की निवृत्ति ये लक्ष्य ना हो और आप कुछ भी कर रहे हो उल्टे घड़े पे पानी। दूसरी बात, जीवात्म भाव की निवृत्ति, यह देहात्म भाव और जीवात्म भाव यही दो ढक्कन है जिसके कारण हमारा सच्चिदानंद स्वरूप ढक गया है। इसीलिए कहते हैं ययाचिरा सर्व पापम व्यपोय, सबके सब हट जाएंगे और फिर परात परम पुरुषम याति दिव्यम, फिर हम वो परात पर पुरुष जो है, माने जो जीव जगत ईश्वर के परे है। देखो कठोपनिषद के मंत्र भी बताते हैं, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेर आत्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। जिसके बाद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, वो है परात् परम पुरुषम याति दिव्यम, और वह दिव्य पुरुष आत्मरूप से पहचाना जाएगा। तो ये विद्या, ये ब्रह्म विद्या आप मुझे सिखाओ। देखो इस विद्यार्थी ने कितना चिंतन किया है, नहीं तो जाकर के महाराज जी ये करो, महाराज जी वो करो। अरे क्या इसी चक्कर, ये दुनिया ऐसी ही चलने वाली है, इसमें चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। देखो जो जो अपना करना है वो बढ़िया से बढ़िया कर डालो, रिलैक्स, रिलैक्स होना सबसे महत्व का है। अब ऐसा जब कहा विद्यार्थी ने तो गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया देखो, कहते हैं तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि। पहला शब्द था अधीहि, हमको सिखाओ। गुरु महाराज कहते हैं अवैहि, आप सीखो।
कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। भगवान कृष्ण ने क्या कम प्रयत्न किए थे दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र को समझाने के? जहां भगवान स्वयं फेल हो गए वहां कौन किसको क्या सिखा सकता है? इसीलिए संतो हम जो बताते हैं ना, गुरु यह बाहर रहने वाली व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे हाथ में पुस्तक है, इस पर उपनिषद छपा है, तो यह पुस्तक उपनिषद नहीं है। और हम जो आपसे बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम उपनिषद नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो कहने का एक प्रक्रिया है। उपनिषद शब्द है ना, ब्रह्म विद्या उच्चते। उपनिषद शब्द का अर्थ मैं है कि कौन है ये मैं। देखो उपनिषद जो हमको अपने स्वरूप में पहुंचाता है उसको उपनिषद कहते हैं। तो कौन पहुंचाएगा? हम ही अपने आप को पहुंचा सकते हैं, वहां अन्य की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरु महाराज के पास पहुंचो और भगवान हमको सिखाओ। कोई किसी को सिखा नहीं सकता। एक कथा आप सबको पता है, एकलव्य की। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। मैं तो राजा महाराजाओं का टीचर हूं, तुम घटिया को कोई पढ़ाएगा, जाओ यहां से। उसने कहा आप मत पढ़ाओ लेकिन मैं तो सीखूंगा। और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ आर्चर हो गया था, धनुर्विद्या जानने वाला। माने कहां था गुरु? द्रोणाचार्य में था या उसके हृदय में था? और गुरु जब अपने हृदय में अवतीर्ण होते हैं तो उसका एक ही लक्षण है, हम अपने हर एक अनुभूति से सीखना। ये प्रक्रिया जारी हो जाती है, फिर सिखाना नहीं पड़ता, आदमी सीखने लगता है। देखो जैसे छोटा सा बालक जब चलने लगता है तो उसको चलना सिखाते थोड़ी है, वो अपने आप सीख लेता है। इस प्रकार से यया सर्व पापम व्यपोय परात परम पुरुषम यादि विद्वान तस्मै होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वैहि। इसको आप अपने आप सीखो, कोई नहीं सिखाएगा आपको। लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है, साधन है, वो क्या है? तो सीखने के साधन बताते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात। ये तीन साधन बताए, श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग। इसके द्वारा जो आप सुनोगे वो आप सीख लेना। नोबडी कैन स्टॉप यू। देखो चार प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी उत्तम अधिकारी, एक ही बार सुन लिया सब क्लियर। दूसरे मध्यम अधिकारी, थोड़ा थोड़ा समझ में आता, थोड़ा थोड़ा भूल गए क्योंकि झपकी आ गई थी। तीसरे विद्यार्थी कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि पक्के सो रहे थे। और चौथे विद्यार्थी उल्टा समझ में आता है। तो पहला हो गया उत्तम अधिकारी, दूसरा हो गया मध्यम अधिकारी, तीसरा हो गया अधम अधिकारी, चौथा हो गया अधम आधम। हर चीज को उल्टी समझ लेना। इसलिए आचार्य एक ही रहते हैं, समझने में फर्क विद्यार्थी पर अवलंबित है। इसीलिए गुरु को बाहर नहीं अपने हृदय में सीखने की प्रक्रिया को जागृत करना, यही आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण है। नहीं तो हम महात्माओं के सामने चैलेंज होकर के बैठते हैं, कितने आगे चले गए आप, तुम ट्राई करो। हाँ नहीं, हमको सीखना है, हमको बदलना है। क्या क्या बताया इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।